हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत सिंपल सा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज तो मैं समझ में आएगा कि आखिरकार कोई चीज़ जैसे कोई भी मशीन गर्म क्यों हो जाती है। इलेक्ट्रिक, आप जो मोबाइल चला रहे हो उस पर ज़रा हाथ रख के देखो, बैक साइड में देखना गर्म हो चुका होगा। मतलब आखिरकार कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आखिरकार गर्म क्यों होती है, उसका आज हम बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो अब कंसंट्रेट करते हैं आखिरकार कि देखो, अब तुम्हें इतना तो पता है कि आखिरकार गर्म हो जाता मोबाइल क्यों होता है, क्या रीज़न है, वो हमें पढ़ेंगे यहाँ। देखो जैसे मान लो हम वायर पे बताते हैं स्टार्टिंग, जैसे जो वायर के लिए वही सबके लिए है। जो लॉजिक, क्योंकि आखिरकार बेसिकली वायर में तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, बाकी तुम्हें चीज़ समझ में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रॉड है, आयरन की रॉड है, हमने इससे लगाई ऐसी एक बैटरी ऐसी लगा दी हमने ली। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो अगर किसी को गलती से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला याद हो तो उसे थोड़ा ध्यान रखना। देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा होगा और इलेक्ट्रॉन अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये जब इलेक्ट्रॉन आके मूव करेंगे तो ये किससे टकराएंगे, मेटल आयन से। और जब मेटल आयन से टकराएंगे तो फिर अपनी जीरो वेलोसिटी पे आ जाएंगे। तो आखिरकार हमें क्या देखने को मिलता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आखिरकार, देखो मान लो ये मेटल आयन से, मेटल आयन की साइज बड़ी है, इलेक्ट्रॉन की कम है, जब से ये चीज़ टकराएगी। और तुम एक चीज़ जानते हो कि दुनिया की कोई भी चीज़ रेस्ट पे तो नहीं है। एक बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो जो क्या बोलते हैं मेटल आयन्स हैं, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये दुनिया का नियम है कि दुनिया की कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है, हर चीज़ मोशन में है। तो ये पार्टिकल्स कर रहे हैं ऐसे वाइब्रेट, मेटल आयन्स ये मोशन में, जब इससे टकराएगा तो इसका वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा। मेटल आयन्स का सोच लो कि एटम का वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इसका वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे प्रोड्यूस होगी क्या, हीट। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट होगी। देखो क्यों, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि इसके वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा। मैं कहूँगा कि इसके वाइब्रेशन बढ़ने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं कि एवरेज जो BRMS वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि आखिरकार इसकी हीट, मतलब इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। दिखाते हैं, घबराओ नहीं। जैसे अगर किसी को गलती से याद हो कि BRMS की वैल्यू जो होती है, फॉर्मूला होता है वो 3 kBT/m। देखो आखिरकार कुछ चीज़ नहीं हो रही, जैसे अगर मान लो BRMS की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो BRMS की जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो बता इसमें से कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो सकता है। देखो ये तो फैक्टर इंक्रीज हो नहीं सकता है, ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, ये चीज़ क्योंकि मटेरियल से ये चेंज नहीं होने वाली है। इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, BRMS की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। तो इस चीज़ से हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब होता है कि हीट आ जाना। तो मेन रीज़न इसका कि जब इलेक्ट्रॉन आखिरकार बहुत स्पीड से जब टकराते हैं, इससे वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी वाइब्रेशन स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा स्पीड से टकराएगा, ये ज़्यादा स्पीड से टकराएगा तो ये चीज़ ज़्यादा वाइब्रेट होगी। जैसे कभी झूला झूला है कि नहीं, झूला है जो मतलब ऐसे वो स्कूल में डला रहता था, उसमें मतलब जितनी ज़ोर से यहाँ से धक्का मारोगे उतना झूला ऐसे घूमेगा। तो कुछ कहानी यहाँ भी ऐसी तरीके की है। तो हम सबसे पहले खरीदार लिखते हैं कि जूल हीटिंग क्या कहलाता है, क्योंकि आखिरकार स्कूल में थोड़ी झूला झुला देंगे, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, उसी के पर्पज़ से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देखो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब एक प्रकार का फेनोमेना है, फेनोमेना प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द रजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल हीटिंग। सीधा सिंपल सी बात है कि जिस भी जहाँ से भी करंट मतलब फ्लो होगा वहाँ का रेजिस्टेंस है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। रजिस्टर तुम वैसे बेसिकली तो बाजार में मिलता है, लेकिन मैं अगर तुमसे कहूँ कि रजिस्टर वो सब, देखो जिस चीज़ में रजिस्टेंस मतलब वो रजिस्टर है,
जितनी भी तुम डिवाइसेस यूज करते हो उन सब में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, किसी में कम किसी में कुछ ज़्यादा, लेकिन होता सब में है। ये रहा सिंपल सा, उसी को बोलते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट। मतलब आखिरकार इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही, हीट प्रोड्यूस हो रही है। आखिरकार तुम क्या देख सकते हो कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी। वैसे बात अलग है कि हीट एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहीं ये वेस्ट होता है कहीं कहीं उसका यूज़ भी होता है, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन आखिरकार बेसिकली वेस्ट ही मानेंगे अभी तो। देखो तो आखिरकार अब दिक्कत इस बात पे आती है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और कौन कौन से फैक्टर पे हीट डिपेंड करती है। मेन बात इसी पे है कि आखिरकार हीट जो निकल रही है वो कितनी, मतलब उसके पीछे का क्या लॉ, मतलब नियम है, क्या फॉर्मूला हो, किस चीज़ पे फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, कैसे हम कम किससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके बारे में उन्होंने बताया था जूल्स ने, इसलिए इनके नाम पड़ा है जूल्स लॉ। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जूल्स लॉ। हम जूल्स लॉ क्यों पढ़ने वाले हैं, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी अमाउंट कितनी है। क्या समझे, क्या आखिरकार जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी अमाउंट कितनी है। तो अब देखो कुछ जरूरी बातें, हम इस पे दोबारा आते हैं। जैसे मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि हमारी है 10 वोल्ट की बैटरी। कितनी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। एक चीज़ तो तुम जानते हो कि यहाँ अगर यहाँ वोल्टेज है BA, तो यहाँ होगा BB वोल्टेज। मतलब इसको ए पॉइंट बोलते थे, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। और तुम एक चीज़ जानते हो कि BA इज़ ग्रेटर देन BB। मतलब आखिरकार जब भी कोई चीज़ रेजिस्टेंस क्रॉस करती है तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। क्या होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है। कितना देखो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, वो हम बोल देते हैं बी। सिंपल सा, बेसिकली बी क्या है, बी इक्वल टू होता है पोटेंशियल ड्रॉप एट ए माइनस पोटेंशियल ड्रॉप एट बी। इतने का पोटेंशियल ड्रॉप आया है। तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि यहाँ 10 वोल्ट था, इस कुन्ने पे आ गया है 0 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट का ड्रॉप आया है। अब इसमें क्या देखना है, जैसे मान लो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमें मान के चलते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। बेसिकली करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चार्ज इस साइड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चार्ज, जैसे मान लो इतना है इसका, इसमें से हम मान के चलते हैं कि 2 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। तो हम पता लगाना चाहते हैं कि 5 सेकंड में कितना करंट फ्लो हुआ, आखिरकार कितना करंट फ्लो हुआ। तुमको उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कहोगे भैया देखो क्यू इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। क्यू आई कितना है, हम बोल लेंगे बेटा 2 एम्पियर है। तुमको कहोगे टाइम कितना, कहना 5, कहोगे 10। तुमको इसमें आसान सी बात है, 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, अच्छी बात है, हम कहीं चीज़ों को फॉर्मूले लिख दो। तो हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है कि हमारे पास चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, वो रहा है आई इंटू टी। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो दिमाग लगाने वाली बात यहाँ है, हमने क्या बोला है कि बी इज ग्रेटर देन बी बी, मतलब हमें पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होगी। अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही, वो है बात पता लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, देखो अगर देखो सिंपल सी बात है, जैसे देखो इसको ऐसे तरीके समझते हैं, जैसे मान लो एक चीज़ यहाँ रखी है, एक ये दूसरी जगह है, ऐसे फिसल पट्टी बना देते हैं। हम क्या बोलते हैं, इसको देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें थोड़ा जैसे मान के चलते हैं कि जो वोल्टेज है उसको हमने हाइट से चेंज कर दिया है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। मुझे यहाँ इतनी बहुत है, जैसे मान लो यहाँ 10 मीटर है, तो इस पॉइंट पे इस ये मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, MgH। मतलब इसका हम मान लेते हैं 2 kg।
तुम कहोगे 2 × 10 × 10, तुम कहोगे हो जाएगी 200 जूल। कंफर्म? हम कहेंगे इस पे मान के चलते हैं कि ये है 3 मीटर पे, हम कहेंगे इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तुम कहोगे एम जी एच, इसमें कौन सी बात है, तुम कहोगे 2 × 10 × 3, 60 जूल है। देखो अगर हाइट डिक्रीज हो रही है, देखो इस ऑब्जेक्ट की अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो उसकी देखो एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। कि ऐसी सेम टू सेम कहानी ऐसी होती है कि अगर पोटेंशियल, अगर वोल्टेज घट रहा है, इसका मतलब है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी, तुम कहोगे भैया कोई भी चीज़ डिक्रीज होने का ऐसा फॉर्मूला है कि इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम तुमसे पूछें इसमें कि आखिरकार इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हो रही, तुम कहोगे भैया फाइनल कितनी हो रही, हम कहेंगे 60, तुम कहोगे इनिशियल कितनी है, मैं कहूँगा 200, तुम कहोगे लो भैया 140 आ गई है जूल नेगेटिव की। नेगेटिव क्या बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सा है, हम कहेंगे अच्छी बात है। अब सेम टू सेम यहाँ लगाना है हमें, क्या लगाना है, यहाँ लगाना है। देखो एम जी एच तो यहाँ होती है, लेकिन अगर तुम चार्ज के फॉर्म में जानते हो तो चार्ज के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चार्ज और उस समय का, उस जगह का वोल्टेज। कन्फर्म है? मतलब इसकी है इनिशियल वोल्टेज, चार्ज, यहाँ का फाइनल वोल्टेज। तो हम कहेंगे देखो यार क्यू वी फाइनल माइनस क्यू वी इनिशियल, क्यू कॉमन लो, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो ये बेसिकली क्या है, ए था बी बी और ए था बी ए। तो हम क्या देखने को मिलते हैं कि देखो बी बी माइनस बी ए जो होता है वो माइनस बी के बराबर है, क्या जानते हो, इतना तो बेसिक बेसिक बात पता है। क्यों? क्योंकि बी ए माइनस बी बी की वैल्यू आ रही थी बी, तो इसका जस्ट नेगेटिव मतलब इनवर्स है। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है माइनस क्यू बी। आखिरकार बी क्या है, बी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इस चीज़ का हमेशा याद रखना, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी सिंपल सी हमने लगा ली है, क्या इतनी सी बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ या ना, अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो पॉज करें और पीछे देख लें पूरा। यहाँ तक एक सिंपल सी बात हम ये समझ चुके हैं कि आखिरकार यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो रही है डिक्रीज, क्या हो रही है पोटेंशियल एनर्जी हो रही डिक्रीज है। और तुम जानते हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है कि अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही, मतलब कोई ना कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। देखो बहुत सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस टावर से गिरता है तो अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है उतना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कितना देखने को मिल रहा है, तो आखिरकार देखो इंक्रीमेंट है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बी, क्या समझे, क्यू बी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो चेंज आ रहा काइनेटिक एनर्जी में उसकी वैल्यू है क्यू बी। एक चीज़ और हम जानते हैं कि आखिरकार चार्ज तो हम पता लगा नहीं सकते हैं, चार्ज हम के बारे में देखो हम इस वायर में से इतना पता लगा सकते हैं कि इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि बेसिकली करंट ही मेज़र कर सकते हैं एमीमीटर से, बाकी सब चीज़ें मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए कि जो क्यू है उसको हमें लाना किस में, करंट के फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे क्यू इक्वल टू आई टी, बहुत पहले बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई टी बी, तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू आई टी बी। आई क्या है, आई उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, टी बेसिकली क्या है कि कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, और बी क्या है कि आखिरकार उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, या फिर बोल सकते हैं कितना पोटेंशियल उस पर अप्लाइड किया जा रहा है। तो
तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें इतनी हद तक बात समझ में आ गई होगी, जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई वो केवल इलेक्ट्रॉन ने इंक्रीज करी ना, तो बेसिक से इतनी बात आराम समझ सकते हैं। देखो तो और हम क्या जानते हैं, वही इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे, वही इलेक्ट्रॉन टकराएंगे किससे, पॉजिटिव आयन से, मतलब मेटल आयन से। जब मेटल आयन से टकराएंगे तो वही एनर्जी किस में शिफ्ट हो जाएगी, मेटल आयन्स में। तो मेटल आयन्स उसकी हेल्प से क्या करेंगे, और ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, तो और ज़्यादा उनकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तब और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें बस इतना फॉर्मूला याद रखना है। तो आखिरकार यही जो एनर्जी हमारे पास मिल रही है वो किसके फॉर्म में आ रही है, देखो तो ये एनर्जी आई किसके पास, चार्ज के पास आई है। यही चार्ज ने किसको ट्रांसफर कर दी है, शेयर कर दी, किसके साथ, मेटल आयन के साथ। तो मेटल आयन ने क्या की, हीट प्रोड्यूस करी। तो हीट, तो आखिरकार हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इक्वल टू हो जाएगा आई टी बी, क्या हो जाएगा आई टी बी। देखो इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आखिरकार कोई इसमें यूनिट में परेशान हो रहा है, तो यूनिट में सिंपल से तुम्हें क्या याद रखना है, यूनिट होगी इसकी जूल, क्योंकि हीट भी एक प्रकार की एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। अब पता है, देखो पता मैं इसको कैसे याद करता था, अब मेरे तरीके तो सोचो। देखो एच आई बी टेस्ट, कंडक्टर करा दो एच आई वी टेस्ट। देखा कितना आसान तरीके से याद हो जाता फॉर्मूला, एच आई वी टेस्ट, काम खत्म। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया तो बाकी तुम अपने आप निकालते जाओगे। कैसे, जैसे मान लो तुम्हें, तुम्हारे पास करंट की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो वही ओम्स लॉ लगा देंगे, बी इक्वल टू आई आर होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आर अपॉन इन टू टी, एच की वैल्यू आ गई है, एक फॉर्मूला ये आ गया। कभी कभार तुम्हें ऐसे दिया रहेगा कि तुम्हारे पास B की वैल्यू नहीं होगी, I की वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी, तो कुछ भाई B इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ लगाओ, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये टाइम है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तुम्हें याद रखना है कि एच आई वी टेस्ट हो रहा है कंडक्टर का। तो इतना तुम्हारे पास बेसिक बेसिक बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो तो आखिरकार हम इसी हेल्प से क्या क्या देखते हैं, आखिर इसकी वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। देखो कुछ इम्पोर्टेंट बातें, देखो कि H की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, H I B T, मतलब इसलिए तुमने देखा होगा कि अगर कोई तुम डिवाइस ज़्यादा देर तक चलाते हो तो उसमें हीट की वैल्यू तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि आखिरकार तुमने यहाँ खुद फॉर्मूले से देख लिया है कि हीट की वैल्यू डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर तुम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाइड करोगे मशीन के, तो भी तुम्हारे पास हीट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्या आएगी, हीट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर तुम अगर किसी कंडक्टर में से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, अगर करंट, तो भी हम क्या देखते हैं कि हीट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। लेकिन तुम्हें कुछ एक चीज़ याद रखना है कि जब तुम वोल्टेज अप्लाइड करते हो तब जाके उसमें से करंट फ्लो होता है, इस बात का भी याद रखना। अगर वोल्टेज है तो करंट है, ये बहुत इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। अब अगर हम इससे फॉर्मूले को देखते हैं कि एच इक्वल टू बी स्क्वायर टी अपॉन आर, और एक फॉर्मूला अपने पास ये आता है, क्या आता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात खिसक रही होगी भैया कि यहाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कौन सा माने सही और कौन सा माने गलत। आखिरकार दिक्कत इसी जगह आ रही होगी ना कि भैया एक जगह तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इनवर्सली में, एक फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम माने किसकी बात। दिमाग लगाने वाली बात है कि नहीं। और वैसे हम सब जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती तो हीट की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन आखिरकार दिमाग इस बात के लगाने कि अगर ए वाला, अगर इसको सही माने किसको सही मान लें, समझे कि नहीं।
तो बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पे डिपेंड करती है, लेकिन उस इसको डिटेल में बात करने से पहले अगर मैं कुछ चीज़ें बता दूं, जो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है ना, ये एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये सिर्फ अप्लीकेबल वहाँ है, कहाँ है, जहाँ ओम्स लॉ फॉलो हो रहा हो। अगर ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा तो ये वाला लॉ भी वैलिड नहीं माना जाए, क्योंकि बेसिकली आखिरकार ये यहाँ से कैसे आया है, ओम्स लॉ की हेल्प से आया ना, इसलिए इस बात को याद रखना। देखो इतनी सिंपल सी बात समझ चुके हैं कि आखिरकार हमारे पास जूल्स हीटिंग के लिए दो फॉर्म, हमने इसमें समझ लिए हैं कि दो फॉर्मूले कंसंट्रेट करना, एच इक्वल टू एच आई वी टेस्ट और एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये टेम टाइम है। मतलब हमें देखने को मिलता है कि एच की वैल्यू डिपेंड करती है करंट पे, वोल्टेज पे, टाइम पे और रेजिस्टेंस पे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो बेसिकली आखिरकार तुम्हें समझ में आ रहा कि आखिरकार ये एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, जो हमने आखिरकार काइनेटिक एनर्जी देखी वही हीट के फॉर्म में आ रही है। तो हम बात आगे करने की बात करते हैं। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, उसका कॉस पढ़ा, उसका लॉ पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ा है। अब आखिरकार हम देखें इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब आखिरकार इसका हम कहाँ कहाँ यूज़ देख सकते हैं, मतलब इसका कहाँ कहाँ इस फेनोमेना को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इसके बड़े कमाल के, इसका एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो सबसे जो पहला जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है, हाउस होल्ड हीटिंग ऑब्जेक्ट। जैसे देखो कि हम लोग घर में बहुत सारे इस पे बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आखिरकार क्या, हाउस होल्ड हीटिंग डिवाइसेस। जैसे सुबह सुबह जिसमें तुम्हारे टोस्टर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, देखो सर्दियों में रूम हीटर यूज़ करते होगे, यूज़ नहीं करते को सुना तो ही होगा। और जो बड़े बड़े आदमी रहते हैं वहाँ तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक टोस्टर, और क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, ये अपने गरीबों वाले की है, मतलब प्रेस जो लाइट की प्रेस होती है ना वो इसी लॉ पे डिपेंड है। इलेक्ट्रिक ओवन देखा होगा तुमने, बहुत सारे डिवाइस हैं। इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक ओवन, इतना जान लो कि अगर जिसको लाइट में लगाने से तुम्हें कोई चीज़ गर्म सी मिल रही है तो वो सब इसी लॉ पे डिपेंड है। क्या है, इसी लॉ पे डिपेंड है। तो देखो इतना सिंपल सी बात जान ली है। अगर किसी ने कभी गलती से एक और आता है रूम हीटर, एक ऐसा गोल गोल करके रहता है, तुमने उसमें ऑब्जर्व किया कि ऐसे 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 लाइन डली रहती है। देखो और भी अगर तुमने यूज़ किया होगा तो सर्दियों हम लोग जिस चीज़ से पानी गर्म करते हैं वो भी कुछ देखना, कुछ ऐसा ऐसा रॉड में रहता है। अब इस चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेन बात करने के का जो इस चीज़ की जो बायर हैं जो भी है वो किस चीज़ का है, आखिरकार उसमें क्या हमें कुछ कंडीशन देखनी चाहिए। तो जो बायर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है हाई रेजिस्टेंस। अगर कोई तुमसे पूछे कि उसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो क्योंकि आखिरकार हीट की वैल्यू डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा तुम्हें हीट देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, उतनी ज़्यादा तुम्हें हीट देखने को मिलेगी। एक बात समझ में आ गई कि नहीं। आखिरकार जो मतलब जो भी तुम वायर ले रहे हो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो जनरली जो हम डिवाइसेस में यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, नाइक्रोम एलिमेंट। आखिरकार नाइक्रोम का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि जल्दी से पिघलेगा नहीं। क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इसकी लार्ज रेजिस्टिविटी है। क्या है, लार्ज रेजिस्टिविटी है। अब तुम लोग रेजिस्टिविटी का क्या रोल हम कहेंगे, देखो आर इक्वल होता है रो एल अपॉन ए, तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। और देखते हैं, देखो और इस ये टेंसाइल भी है। क्या है, टेंसाइल है,
क्योंकि ईजिली किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वायर में, मतलब ऐसे लगाओगे वायर चेंज हो जाएगा। देखो, और अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर वाली बात करें तो ए नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब ऐसे नहीं वो जल्दी जल जाएगा, नहीं जलेगा भैया, समझे कि नहीं। मतलब कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मतलब अगर हीट में लाओ, मतलब एयर में लाओ तो जल जाते हैं। जैसे मतलब इलेक्ट्रिक वायर लगाओ दोनों के आसपास, एयर में लाओ, एयर कॉन्टैक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, इसकी सबसे अच्छी खासियत है। तो बेसिकली नाइक्रोम का लिया जाता क्यों, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लार्ज रेजिस्टिविटी है, टेंसाइल मतलब वायर में चेंज किया जा सकता है, और नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज मतलब जब इसे एयर में लाओ तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और आखिरकार हमें वो वायर लेने होते हैं जिसका रेजिस्टेंस होता है हाई। हाई रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी, समझे कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है आखिरकार इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम और आगे ही बात करते हैं। जैसे देखो, घर में अगर आखिरकार कभी गलती से देख लिया हो तो एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ उड़ गया है। अपन तो वैसे बेसिकली जो पैसे वाले होते हैं वो फ्यूज़ लेते हैं, कांच के इसमें फॉर्म में रहता है, लेकिन अपन देहाती आदमी क्या करते हैं, एक मतलब कटआउट मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है तुम लोग बोलते हो, ऐसे रहता है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक तार बांध देते, सिंपल सा, वो भी कॉपर का तार बांध देते, अपना काम उसी का फ्यूज़ कर जाता है। तो आखिरकार इस लॉक हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूज़ बनाने में भी यूज़ करते हैं। जब हम फ्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक बता दें कि फ्यूज़ एक प्रकार का डिवाइस है, मतलब छोटा सा जो अपना इतना पोर्शन है ना, एक प्रकार की सुनो डिवाइस है, क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। इसमें बात ऐसी होती है कि जब इसमें से देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, जैसे ही क्या बोलते हैं करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हीट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, हीट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो पिघल जाएगा, और जैसे ही पिघलेगा तो आगे सप्लाई बंद हो जाती है। इसका बहुत मतलब एक छोटे से फ्यूज़ का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों, कि जैसे मान लो कि हमें जो करंट चाहिए है वो मान के चलते हैं कि हमें लेना है 50 एम्पीयर का, और इसी के अकॉर्डिंग में फ्यूज़ बनाया गया है, अगर इससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा मेल्ट, और मेल्ट हो जाएगा तो ये जो आगे की डिवाइस हैं ये सेफ हो जाएंगी, क्योंकि आखिरकार इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हिसाब से उस पर काम किया जाता है, कैसे नहीं कितना ही फ्लो कर दो तो कुछ भी फ्लो कर दो, मैंने इतना करंट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है। जो फ्यूज़ आते हैं वो अपनी अपनी रेटिंग पे आते हैं कि 1 एम्पीयर का चाहिए है, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, जितनी भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आखिरकार जो अपने यहाँ सप्लाई होती है तो वो 220 वोल्ट की होती है। देखो आखिरकार और भी अगर मैं इसका यूज़ देखने को बताऊं तो आजकल जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी होने लगी हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क, तो ये भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। जो आखिरकार ये भी जूल हीटिंग इफेक्ट पे ही है। और तुम्हें अगर देख और मैं बताऊं जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब भी इसी चीज़ पर डिपेंड है। जो सूर्य वाले बल्ब नहीं आते थे पहले 10 रुपये के, मतलब अभी भी आते हैं पता नहीं है, इस तरीके का टंगस्टन रहता था, मतलब ये फिलामेंट रहता था, ये रहता था टंगस्टन मटेरियल का, ये भी इसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो मतलब कह सकते हैं कि हर चीज़ ख़राब नहीं होती है, कुछ उसके फ़ायदे भी होते हैं, कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। हमने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में बात कर ली है, थर्मोनिक बल्ब्स, हॉट वायर, एमीमीटर, वोल्टमीटर, बहुत सारे इसके यूज़ हैं। और आजकल तो क्या नाम है, ये बहुत सारे इसका यूज़ देखने को इतना मिल रहा है कि फैक्ट्री में कोई चीज़ पिघलाने में भी यही चीज़ यूज़ होती है। आखिरकार इलेक्ट्रिक चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़फुल हो रही है, मतलब इसका हीटिंग इफेक्ट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि कुछ की हद नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ अगर तुम्हें हीट करनी है, देखो आजकल तुम्हारे हीट गीज़र भी आ गए हैं, कैट हीट केतली भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बहुत कुछ इसका इम्पोर्टेंस है। ये नहीं समझो कि हमेशा ये नुकसानदायक होता है, कहीं कहीं देखो कहीं नुकसानदायक कहीं फ़ायदेमंद भी है। जैसा फ्रिक्शन है ना, कि फ्रिक्शन कभी अपने काम का है कभी अपने नुकसान का भी है। तो आखिरकार हमने क्या देखा कि H इक्वल टू बी आई टी, या फिर बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, इस पर याद रखो तो ज़्यादा समझ में आ जाता है। तो देखो इसलिए देखो आखिरकार वायर जो भी हम चूज़ करते हैं वायर, तो हम क्या चाहते हैं कि हीट कम से कम प्रोड्यूस हो वायर में,
ये देखो, हम ये सब हट के बात करें तो हम अलग से बता रहे हैं कि आखिरकार हम वायर का रेजिस्टेंस क्यों कम लेते हैं, क्यों उसमें से करंट फ्लो करते हैं, क्यों चलना चलने का टीवी बंद कर देते हैं, मोबाइल चलाना बंद कर देते हैं। देखो, हम क्या चाहते हैं कि जो डिवाइस है सो उसमें से कम निकले। तो देखो, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आर का फॉर्मूला रखो यहाँ, रो एल ए। एच इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए इंटू टी। इसका मतलब ये है कि जो वायर ज़्यादा लंबा होगा वहाँ हीट की वैल्यू भी तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिस वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें भी तुम्हें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस मिलेगी। इसलिए तो नहीं हर कोई वायर हम लोहे का तार यूज़ कर लेंगे, वो नहीं, हर अलग अलग सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जैसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई ना, जो ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग रहती ना वो सब गल जाएगी ना। और एक इम्पोर्टेंट बात, जितना मोटा तार होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी, समझ रहे कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जो हैवी डिवाइस होती है ना जहाँ भी, वो मोटा वायर इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें से कम रेजिस्टेंस जनरेट किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेसिक बेसिक तुम्हें सिंपल सिंपल सी बात यूज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाए कि किस तरीके से काम किया करते हैं। देखो, क्वेश्चन है अपना एनसीईआरटी से, सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। देखो, एनसीईआरटी से है कि आखिर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक आई की वैल्यू है वो है कितनी, 4 एम्पियर। कोई एक रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब मान के चलते हैं कि ऐसे कोई रजिस्टर है, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। कितना है, 12 ओम। तो हम पता लगाना चाहते हैं कि टाइम, मतलब हम मान के चलते हैं कि 12 सेकंड। कितना है, 12 सेकंड। हम पता लगाना चाहते हैं कि इसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, कब, जब हम कोई चीज़ 12 सेकंड तक चलाएंगे। तो एच की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। वैसे बताएं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में पावर पूछा गया था, मैंने इसे कन्वर्ट करके किसमें कर दिया, हीट के फॉर्म में ला दिया है। जब अपन पावर के बारे में पढ़ेंगे तो अपन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, घबराना नहीं। लेकिन बेसिकली अब अपन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो कोई कहोगे नहीं यार भैया, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं था, आपने ना जाने कहाँ से पढ़ा दिया है। देखो, तो आई 16 × 12 × 12 फॉर्मूला कैलकुलेशन करो, सॉल्व हो जाएगा 16 × 144 मल्टीप्लाई करते आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन रियली में कहाँ का है, एनसीईआरटी से, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो, क्वेश्चन इस तरीके से है कि 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ निगलेबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 ओम रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैग्नीनियन। ये कोई एलॉय है मैग्नीनियन। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इन 1 आवर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, सबसे पहले बात है कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी स्टोरेज बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर बैटरी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में कन्वर्ट किया है। मतलब एक तार ने यहाँ लगाया, एक तार यहाँ, मतलब एक जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने क्या किया है कि एक यहाँ एक रजिस्टर भी है, एक मतलब ऐसे रजिस्टर है। उनने उनके कहने का मतलब है कि जो वायर लगा रहे हैं ना, ये वायर, इन वायर का रजिस्टेंस निगलेबल है, इसका भी, इन वायर का रजिस्टेंस निगलेबल है। लेकिन जो रजिस्टर है इसका, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम। तो उसमें कहा गया है कि अगर हम 1 घंटे तक इसमें से इसमें पावर सब मतलब एनर्जी देंगे, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, मतलब अगर हम 1 घंटे तक इसमें लगाए रहेंगे तो बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी 1 घंटे में। तुम क्या जानते हो कि एच इक्वल टू एच आई वी टेस्ट करा दो। अपने पास क्या है, अपने पास टाइम की वैल्यू है 1 घंटा, 1 घंटे करो सेकंड में चेंज, क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है 360 सेकंड। और हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास पता नहीं, हमारे पास बी की वैल्यू है 10 वोल्ट और आर की वैल्यू है कितनी 50 ओम।
तो हम फॉर्मूला इसको करेंगे अब कन्वर्ट, हमारे पास आई का फॉर्मूला नहीं तो हम आई के हम इसको ले इस आई को कर देंगे कन्वर्ट बी अपॉन आर के फॉर्म में। तो एच की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो बी की वैल्यू कितनी थी 10 वोल्ट थी, 10 इंटू 10 टाइम कितना है 3600 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 50। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 2700 720 जूल। कैलकुलेशन करना कोई कठिन थोड़ी, मैंने पता क्या दिमाग लगाया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ए 100 हो गया, 100 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ गया है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर करें। हाँ, अब आते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आखिरकार क्वेश्चन छोड़ा था कि आखिरकार हम कौन से वाले को बात करेंगे। तो मैं कहूँगा कि ये रहा तुम्हारा होमवर्क, कि तुम्हें पता लगा के लाना है कि आखिरकार H इक्वल टू कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम कौन सी बात को, हमने तो बता दिया लेकिन आखिरकार क्यों लेंगे वो तुम्हें बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसके ऊपर मेहनत करोगे, आंसर लाओगे और कमेंट्स में लिख के जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।